नमस्ते, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज के किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैशाली है। आज हम बनाना सीखेंगे मसाला डोसा। हमने पहले सादा डोसा बनाना सीखा है, हम अभी कुछ चेंजेस करके मसाला डोसा बनाना सिखाएंगे। तो देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है हमें मसाला डोसा बनाने के लिए। डोसा बनाने के लिए हमने 3 कप चावल में 1/4 कप चना दाल लिए है, और उड़द की दाल उसमें हमने 1 टीस्पून मेथी दाना डाला हुआ है। दोनों को हमने अच्छे से पानी में 5-6 घंटे भिगो के रखा है। अब उसमें एक्सेस पानी निकाल के हम उसको दोनों चीज़ों को मिला के उसमें 3 चम्मच चावल और 1 चम्मच उड़द की दाल डाल के हम ब्लेंडर में उसको अच्छे से पीस के उसका महीन बैटर बना लेंगे। पीसते वक्त आपको थोड़ा सा फ्रेश पानी भी डालना है उसमें। अब हमारा ये बैटर तैयार है, हम इसको रात भर फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। रात भर फर्मेंट होने के बाद हमारा ये बैटर तैयार है, बहुत अच्छे से फ्लफी बन चुका है हमारा ये बैटर। मसाला डोसा और आलू की सब्जी डालने के लिए उसमें डालिए, पैन में डालिए तेल, उसमें राई और जीरा डाल दीजिए, उसमें डालिए उड़द की दाल, उसको अच्छे से पका लीजिए। उसके बाद हम लोग डालेंगे भिगोई हुई चना की दाल, उसको लगभग 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे। चना दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है, और जैसे ही चना दाल पक जाती है हम उसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसमें हींग डालेंगे, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसमें डालेंगे हरी मिर्चें, टमाटर, और टमाटर सॉफ्ट होने तक हम उसको पकाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे प्याज, और प्याज के साथ साथ हम उसमें नमक भी डालेंगे, इससे प्याज सॉफ्ट होने में मदद होगी। फिर डालेंगे हम आलू, आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, और फिर इस सब्जी को हम अच्छे से दबा दबा के पकाएंगे। चाहे तो आप थोड़ा पानी भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आपके आलू ज़्यादा ड्राई है तो पानी मिला के पकाइए। इस तरह हमारी आलू की सब्ज़ी तैयार है। अब उसमें हम लोग हरा धनिया डाल के उसमें मसाले डोसा में हम ये सब्ज़ी डालेंगे। इस सब्जी की डिटेल रेसिपी के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलिए फिर मसाला डोसा बनाते हैं। जितने बैटर की मुझे डोसे बनाने हैं उतना बैटर मैंने अलग से ले लिया है, उस हिसाब से मैं उसमें नमक डालूंगी और अच्छे से मिला लूंगी नमक को उसके साथ। नमक को अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा पानी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि बैटर हमें पतला चाहिए, ये तभी डोसे क्रिस्पी आएंगे। अब ऐसे जैसे पोरिंग कंसिस्टेंसी है वैसा हमें बैटर चाहिए, कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए इस बैटर के लिए। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, हम लोग अभी इसमें थोड़ा तेल डालकर इसको ये प्याज की सहायता से इसे तेल ज़्यादा भी नहीं लगता है और इवनली स्प्रेड हो जाता है। ये तवे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हमें डोसा डालते वक्त टेम्परेचर इतना नहीं चाहिए, तो हम जस्ट कुछ पानी की बूंदें भी स्प्रिंकल करेंगे और तुरंत ही हम जल्दी जल्दी घुमाएंगे। डोसे को अच्छे से पतला कीजिए हर जगह से। जहाँ थोड़ा सा मोटा दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा पतला कर लीजिए, तभी ये क्रिस्पी बनेगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं अभी। ऐसा जैसे ही ऊपर का सतह थोड़ी सी ड्राई हो जाती है हम थोड़ा तेल डाल देंगे। तेल को हम लोग इवनली स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर।
तेल इस डोसे के ऊपर जो चाले बनी हुई है तेल इसमें से नीचे जा रहा है और ये दोनों साइड को पकने में मदद करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि डोसे ने किनारे छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब ये थोड़ा लगभग पकते आया है। अब हम देखेंगे कि सारी साइड से जब किनारे छोड़ने लगेगा तब हमारा डोसा कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं डोसे ने सब तरफ से साइड छोड़ना शुरू कर दिया है और बीच बीच में आप ये ब्राउन स्पॉट्स भी देख सकते हैं, इसका मतलब वो साइड से डोसा हमारा पक रहा है। इस वक्त हम लोग ये जो हमने आलू की सब्जी बनाई है वो हम इसमें बीच में डाल देंगे। ये सब्जी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए एक डोसे के साथ। फिर हम डोसे को सब्जी के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा दबा देंगे। डोसा काफी क्रिस्पी बन चुका है। ये मसाला डोसा तैयार है। इसमें ऑलरेडी हमने सब्जी डाली हुई है आलू की और इसको सांभर और आलू की सब्जी के साथ सर्व करते हैं। हमारा क्रिस्पी और यम्मी मसाला डोसा तैयार है। इसे आप खुद बनाइए, खाकर देखिए और आपके कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और अनेक रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।